Akshar Saab, faculty member of the academy, and the staff of the academy, participants, ladies and gentlemen. It's an honor for me to address such a wonderful gathering from all over Pakistan. I'm not a good speaker like Shah Saab, but I'll try to say something for you. The academy is not to teach you. I dissent in respect of the word teaching. No doubt you can learn till end, but I would prefer the word discuss, share your experiences. So this would be a better word. Shah Saab ne kaha ke, mujhe kaha ke time aapne spend kiya, no doubt time har ek ka kimti hota hai, especially weekend pe to kabhi hame bhi zarurat hoti hai. Lekin ye time hum waqf kar chuke hain, hum aur aap sab waqf kar chuke hain, public ke liye waqf kar chuke hain. Ye waqf humne by choice public ke liye, kisi ne hume force nahi kiya. So that's why we have to give our time to the public. Hum dekhen kis tarike se unko hum acche andaaz mein serve kar sakte hain. Aapko kaafi lectures is do hafte mein mile honge, isse pehle mile honge. लेकिन मैं यहाँ आपको लेक्चर देने नहीं आया, क्योंकि जो सेशन जजेस साहब आज बैठे हुए हैं, मुझे यकीन है कि बहुत से मुझसे सीनियर होंगे अपने जुडिशियल एक्सपीरियंस में. स्पेशली मैं जवाद साहब की बात करूँगी, उनके सामने एज ए लॉयर में पेश होता रहा, सो यू हैव मोर जुडिशियल एक्सपीरियंस देन मी. लेकिन यहाँ पे जो मैंने शेयरिंग की बात की, आए आज हम शेयर करते हैं दूसरे से कि वो क्या इश्यूज हैं, क्या मसाइल है, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि हम फर्दर इसको इम्प्रूव करें. ये डॉक्यूमेंट्री देख के मुझे एक बात की खुशी हुई, मुझे आज ये पता चला कि हमारे जजेस में से ऐसे भी हैं जो गाने पे गा सकते हैं. ये मुझे बहुत खुशी हुई. इसकी वजह यह कि मुझे तरस आता आप लोगों पे, आप लोग एक खूबसूरत कैद में हो, जिससे जो आपको आपके जो चैम्बर्स है जस्ट लाइक प्रिज़न, मुझे घुटन होती है और आप पे तरस आता है. लेकिन साथ ही साथ मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस माहौल में भी आप डिलीवर कर रहे हैं, ये एक एजाज है हमारे लिए, मेरे लिए एक एजाज है. मैं समझता हूँ कि आपने कहा कि लोअर टियर और हायर टियर, अगेन मैं आपसे इसमें इख्तलाफ करता हूँ. मेरा सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो परफॉर्मेंस देता है उस पर मेरे या सर फखर से बुलंद होता है या मेरे सर नीचे. ये अल्लाह ताला की तकसीम है कि किसको कहाँ बिठाया. मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों पहुंचूं, लेकिन मुझे इतना मुझे ये है कि अल्लाह ताला मुझसे काम ले रहा है, अल्लाह ताला आपसे आपकी जो पोजीशन है वहां पे आपसे काम ले रहा है. तो जब अल्लाह ताला ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, अब इसको हमें कैसे अदा करना. ये अकेडमी इसका मकसद ये है कि हम इसको एक दूसरे की, और ये बहुत अच्छा स्टेप है. मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, मैं अप्रिशिएट करता हूँ शाह साहब और सुशाह साहब को, दो शाह इकट्ठे हुए हैं तो आप लोगों ने अच्छी. इसका फायदा ये है कि आप शेयर कर सकते हैं दूसरे से. आप बहुत से लोगों को शायद इल्म ना होगा बलूचिस्तान क्या है. मुझसे किसी ने पूछा कि क्वेटर में पक्के घर भी होते हैं, इन्हें एक इमेज बना हुआ बलूचिस्तान के हवाले से कि पता नहीं कैसा सुबह होगा. लोगों का ये ख्याल है कि वहाँ पे धमाके होंगे, वहाँ पे एक दहशत गर्दी हो, राह चलते हुए लोगों को कत्ल कर देंगे. ऐसा नहीं है, एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है. ठीक है, नो डाउट की दहशत गर्दी है, नो डाउट की आपको, यानी आप हमारे जो एरियाज आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के टफ एरियाज हैं, वो हमारे सेशन जजेस और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जजेस बैठे हुए हैं और अल्लाह के करम से बहुत अच्छे अंदाज में वहाँ काम कर रहे हैं. ये उनको अप्रिशिएट करने चाहिए जो हार्ड एरियाज में जजेस जाते हैं. आप सब जाते हैं, सबकी ट्रांसफर. लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की आप लोगों में, स्पेशली उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी साहब ने कि जुडिशियल अकेडमी, मेरा हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि मैं जुडिशियल अकेडमीज में बलूचिस्तान की थी, मैं जाया करता था लेक्चर भी. मैं टॉपिक पर, इस टॉपिक पर बात नहीं करता कि आप आए सी बी सी से काम, आपको आए आपको सी आर, हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा पता हो,
आप ज्यादा बेहतर समझते हो मुझसे, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं एक ये बात बताऊँ। ज्यूडिशियल अकेडमी बलूचिस्तान में मैंने जब उनसे पूछा लास्ट सेशन में, मैंने कहा किसकी किसका लेक्चर आपको ज्यादा पसंद है, आप सरप्राइज बाई मई, उन्होंने कहा जनाब वो जो साइकियाट्रिस्ट साहब आते थे उनका लेक्चर हमें सबसे ज्यादा पसंद है। तो इट मीन्स यू डोंट नीड the education regarding the subject CBC, CRPC, आपको कुछ और चाहिए, आप यू दुनिया से कट चुके हैं। जजेस को एक कमरे में बंद कर दिया गया, बल्कि मैं एक और बात आपको सुनाऊं, हमारे जो एक इस वक्त सीनियर यूनियन जज हैं जस्टिस आशुक काकर साहब, उन्होंने हमारे एक चीफ जस्टिस हमारी मैडम थी खातून, वो 1980 या 81 में सिविल जज अपॉइंट और हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनकर रिटायर हुई। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको सारी जिंदगी एक छोटे से कमरे में बंद किया, आपको पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। तो जजेस का आलमी है कि हमने जजेस को बंद कर दिया, आप जजेस को थोड़ा ओपन होना चाहिए। आप हकीकत में आज ये आपके जो ट्रिप देखी, आपको खुशी देखी, मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पहली मरतबा किसी को बाहर निकाला हो, जैसे किसी को इसी माशरे के लोग हैं, लोग पता नहीं हमें किसी और दुनिया के मखलूक समझते हैं, जजेस इसी माशरे के लोग। बहुत नो डाउट हम एक ज़हनी प्रेशर, लोगों का हक देना ये बहुत मुश्किल काम है, अल्लाह ताला का काम इंसाफ करना, हम इंसाफ नहीं करते, हम फैसला करते हैं। इंसाफ अल्लाह ताला को इल्म होता है कि कौन हक पर है कौन ना है, हम तो वो करते हैं जो रिकॉर्ड पे होता है, हम वो करते हैं जो कानून कहता है। तो उसमें ये भी हो सकता है, जाहिर है आपको पता है दो दो फरीक आते हैं, दोनों ओथ पे स्टेटमेंट देते हैं, विटनेसेस आते हैं ओथ पे दोनों तरफ से स्टेटमेंट देते हैं, दोनों में से एक तो झूठा है। तो बाज़ औक़ात नो डाउट कि ये इस तरह गलत फैसले भी हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारा कॉन्शियस दुरुस्त होना चाहिए, हमें ये दिल में एहसास होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला देख रहा है। आप रोजा रखते हैं, कमरे में अकेले होते हैं, पानी सब कुछ मैसर, लेकिन आप नहीं पीते हैं, क्या वजह है? अल्लाह का एक जो हुक्म है उसको उसके ताबे हम मान रहे हैं। तो यही अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमें जितना हो सके हम इंसाफ दें। तो इस हवाले से ये जो शेयरिंग है इसमें बताएं कि इंसाफ किस तरह दिया जाए। इंसाफ हम बाज़ औक़ात देते हैं, अभी पिछले दिनों एक जजमेंट मैंने यही लिखा, देर से देते हैं इंसाफ, लेकिन अगर देर से दें तो इसका फायदा कोई नहीं। एक शख्स हमारे सामने आया 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में, हमने इसे क्विट किया। अब समझ ही नहीं आती कि क्यों इस तरह, किसी को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में मुझे पूरे पाकिस्तान के जजेस की जजमेंट्स पढ़ने का मौका मिला, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। एक चीज मैंने नोट की, मैंने स्पेशली माजरत के साथ मैंने पंजाब के जजेस में देखी, ऐसा लगता है कि जैसे वो एक पैटर्न लेके चल रहे हैं, नीचे से डेथ पेनल्टी देते हैं, हाई कोर्ट या तो उसको सेटिसफाइड करके एक्विट कर देते हैं या उसको मोस्टली लाइफ में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब हमारे पास आते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे जजमेंट होते हैं जिसमें हम एक्विटल कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये वो बेसिक्स है कि आपने लाइफ कैसे देनी है, किस सिचुएशन में देनी है, आपने डेथ पेनल्टी किस सिचुएशन में देनी है और आपने एक्विटल, तो क्या रीजन है इसका, क्यों ऐसा है कि आप हर केस में आप समझते हैं जो कि हमारे एक पुराने जज साहब हुआ करते थे सेशन जज, उस जमाने में ये टेररिज्म एक्टिविटीज एक्ट के नाम से था, उसमें क्लाशिंकोव के केस में कुछ 4 साल सजा देते थे, कहते थे कि एक साल हाई कोर्ट के लिए वो रिडक्शन करें, यानी उसने तय किया था कि मैंने सजा देनी और 4 साल देनी, 1 साल हाई कोर्ट रिडक्शन। भाई आप इक्विटल भी तो कर सकते हैं, आपकी ताकत मुझसे ज्यादा है, हम तो आपकी जजमेंट जब देखते हैं हम कहते हैं कि पता है वकील कहते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग इन द जजमेंट, आपके पास वो इख्तियार है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शुरू किस स्टेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते वो पावर जो आपको कानून ने दिया है। ये अगर आप शुरू में ये इस्तेमाल करें पावर जो आपको डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जो आपको मैंडेटरी पावर्स हैं, अगर आप शुरू में एक्सरसाइज करेंगे तो प्रोलॉन्ग लिटिगेशन से आप बच जाएंगे, दुनिया जितनी लिटिगेशन है वो बच जाएंगे। तो ये सारी चीजें को देखते हुए तो आज जब आते हुए मैंने सोचा कि मैं क्या कहूंगा, मैं आज मैं आप अपने आप को आप लोगों के हवाले करता हूँ, आए जरा डिस्कस करें कि व्हाट आर योर इश्यूज, आए हम आपस में डिस्कस करते हैं हाउ टू रिजॉल्व दीज इश्यूज, ये इश्यूज आपके साथ ही क्या है, किस तरीके से और
क्या लिटिगेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइम स्पैन को कम करने के लिए मौजूदा सिस्टम में होते हुए हम क्या कर सकते हैं आप जब तक बताएंगे नहीं कि आपके क्या इश्यूज हैं तो आप चीफ जस्टिस साहब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए मैं आया हूं थ्रू डायरेक्ट वकालत से मुझे आपके इश्यूज बहुत से इश्यूज शायद पता ना हो लेकिन आप लोग जो शुरू से आए सिविल जजेस ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से यू नो व्हाट आर द इश्यूज आपके पास सजेशंस होंगे जो आप शायद अपने चीफ जस्टिस को नहीं दे सकते होंगे लेकिन वो भी मैं कहता हूं क्यों नहीं दे सकते देखिए हमें ये डिफरेंस नहीं होनी चाहिए मेरी कोशिश पूरे टेन्योर में ये थी कि जजेस के बीच में वो जो गैप है हाई कोर्ट के और सिविल जज ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जजेस एडिशनल ये गैप खत्म होने चाहिए हम एक फैमिली है आपसे देखिए अगर आपको कोई जानने वाला हो मैं सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई गलत फैसला देता हूँ या सपोज कोई फैसला देता हूँ अगर किसी शख्स को पसंद ना आए अगर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का कोई दोस्त हो या रिश्तेदार हो उससे पूछा जाता है कि आपके जज ने क्या किया इट मीन्स वो हमें एक समझता है तो जब एक समझता है तो आए हम सर जोड़ के बैठे कि हम ये इन इश्यूज को किस तरह हल करें तो आज मेरा टाइम यही मेरा टाइम है मेरा काम यही है कि मैं जस्टिस डिलीवरी में मदद करूँ तो आप ये परेशानी ना करें कि आपने मेरा टाइम लिया मेरा टाइम इनके लिए मेरा टाइम पब्लिक के लिए सबको मैं ये दावत देता हूँ अभी बैठ के देखते हैं एक एक करके आप बताएं क्या है क्या करना चाहिए क्या है और साथ ही साथ इस एकेडमी के बारे में क्या बताएं आप अपने ज्यूडिशियल एकेडमी जो फाइनेंशियल एकेडमी उनके बारे में बताएं तो शाह साहब को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इनके सजेशन और इनके इश्यूज एक एक बना के तमाम जो चीफ जस्टिस हैं उनको आप रिकमेंडेशन दिखा दें कि ये इश्यूज हैं और इनको उनको सॉल्व करने का भी एक तरीका बता दें तो आप आपस में भी रब्ता रखें अपने कुलीग से पूरे पाकिस्तान में आप एक दूसरे की सूबे में जाएं देखें कि क्या होता है ये जो कुछ जजेस हमारे अपॉइंट हुए स्पेशली नासिर यूसुफजई साहब बैठे हुए हैं दो हफ्तों के लिए मैंने लाहौर मैंने कहा आपने कोई वो ट्रेनिंग नहीं लेनी सबक नहीं सीखना आप जरा जाए देखिए पंजाब के जजेस कैसे काम कर रहे हैं आप जरा देखें पंजाब में होता क्या आप जाए नारगली में फिरेंगे आप लाहौर के किसी भी जगह में चले जाए थोड़ा सा वो माइंड ओपन करें एक सेशन जज साहब के पास हम गए सिबी हमारे डिस्ट्रिक्ट डिविजन है सेशन जज के पास जब हम गए तो सरप्राइज विजिट मैं था और जस्टिस नईम साहब भी उस वक्त चीफ जस्टिस है पहले तो वहाँ 52 टेम्परेचर होता है गर्मियों में तो लोग बेचारे बैठे हुए कोई फैसिलिटी नहीं सचिन जज साहब को हमने कहा कि ये शेड के नीचे लोग बैठे हैं कोई कोई फैन नहीं है कुछ कोई आप सहूलत उनको क्यों नहीं मिली कहते हाँ सर एक फैन तो पड़ा हुआ है काफी अरसे से तो मैं उठा के लगवा दूँ फिर जब हम आगे एक फैमिली जज खातून थी उसके चैम्बर में एसी लगा हुआ लेकिन वो फंक्शनल नहीं है तो हमने कहा ये क्यों फंक्शनल नहीं कहते जो तार एक लगानी है वो तार जब बॉर्डर वाला आएगा तो लगाए यानी इतने छोटे से इश्यूज मैंने कहा आप सेशन जज जस्ट कॉल एक्सीएन और ये आप उनको फैसिलिटी दे कि आप जब आपको दिया अगर किसी चीज जरूरत है आप हमें बताया हमने कब बना किया वो जो खौफ है ना कि मैं कहीं चीफ जस्टिस से बात करूंगा वो पता नहीं क्या समझेगा ये खौफ आपको निकलना चाहिए हम कोई आसमान से नहीं उतरे हम भी आप में से हैं आप आए हमसे मिले हमसे बात करें ओपन हो जाए थोड़ा सा जब आप इस खौफ में फैसला करेंगे कि कहीं अगर मैंने इक्विट कर दिया कहीं ऐसा ना हो मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए आपने चीफ जस्टिस को जवाब नहीं देना अपने अल्लाह को जवाब देना आप लोगों को गैर जरूरी सजा ना दें बल्कि एक और मिसाल दो हमारे हम सीनियर पेश होते थे एक जज साहब थे वो सजा देने के बाद कहते कि मियाँ गुंजाइश बहुत है आगे अपील कर लें भाई जो गुंजाइश है तो आपने क्यों नहीं दी क्यों सब मजबूर करके उससे गुंजाइश अपील स्टेज में लेंगे तो बी बोल्ड जज के लिए कॉम्पिटेंट होना लाजमी है इंटेग्रिटी अबव बोर्ड होनी चाहिए और मैं कहता हूँ जो जज बोल्ड नहीं होगा मैं उसको जज नहीं समझता तो any question I'm ready.